दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आपको जाहिर सी बात है हैकिंग मूवीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको टॉप 10 बॉलीवुड हैकिंग मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको देख के आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको टॉप 10 हैकिंग मूवीज़ के बारे में बताऊँगा जो आपके दिमाग को हिला देगी। और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के बारे में ही बताऊंगा, ये कोई भी साउथ इंडियन या फिर हॉलीवुड मूवी के बारे में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हैकिंग मूवी के बारे में होगा। जो भी मूवी अवेलेबल होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाकर उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप शर्मा और DS रिव्यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहली नंबर की फिल्म है, उसका नाम है मिक्की वायरस। 2013 में यह फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें आपको मनीष पॉल और एली अब्राहम देखने को मिले थे। इस फिल्म का मेन प्लॉट ये था फ्रेंड्स कि इसमें एक बैंक में चोरी हो जाता है, जो कि हैकिंग के माध्यम से किया जाता है, कुछ पैसे को लूट लिया जाता है। फिल्म को 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, आप लोग को इसको जरूर देखना चाहिए अगर आप हैकिंग फिल्म में इंटरेस्ट रखते हैं तो। नंबर 2 की फिल्म है फ्रेंड्स हैक्ड, जो कि 2020 में अभी हाल में ही रिलीज हुई थी। इसमें आपको हिना खान के साथ रोहन शाह देखने को मिले थे। 4.2 आउट ऑफ 10 की इस फिल्म की रेटिंग है फ्रेंड्स, जिसको IMDb ने दिया है, और यह फिल्म एक अच्छी खासी फिल्म है। इस फिल्म का कहानी यह है फ्रेंड्स कि एक लड़का होता है जो कि एक लड़की से प्यार कर लेता है, जो कि लड़की बहुत ज़्यादा उम्र की होती है और लड़की उसके प्यार को रिफ्यूज़ कर देती है, और फिर लड़का एक कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है और फिर उसके साथ वो बहुत सारे अजीबोगरीब काम करता है, उसका वीडियो वायरल कर देता है, बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब काम करता है। नेक्स्ट जो मूवी है फ्रेंड्स उसका नाम है प्लेयर्स। इसमें आपको अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, नितिन मुकेश, विनोद खन्ना, सोनम कपूर, बिपाशा बसु, ये सभी कलाकार देखने को मिलेंगे। 4.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है फ्रेंड्स। इस मूवी का रियल मूवी इटालियन जॉब है, जो कि रशियन मूवी है फ्रेंड्स, और उसी का यह रीमेक मूवी है। इस फिल्म को ज़्यादा रेटिंग तो नहीं मिली है, बट ये अच्छी खासी मूवी है ऑप्शन। यह फिल्म भी हैकिंग पे बेस्ड है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये सभी लोग जो होते हैं ये चोरी करते हैं, चोरी करने के बाद जब चोरी कर लेते हैं तो उनमें से कोई एक जो है गद्दारी कर देता है सभी टीम के साथ, और उसके बाद वो जो गद्दारी करता है वो बहुत बड़ा हैकर होता है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप ये मूवी को जरूर देखिएगा, अगर मैं इससे ज़्यादा कहानी बताऊंगा तो आपका मूवी स्पॉइल हो जाएगा। 4th नंबर की फिल्म है फ्रेंड्स डॉन 2। इस फिल्म को फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया है, जो कि 2011 में आया था। 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है फ्रेंड्स इस फिल्म की। इसमें शाहरुख खान, बोमन ईरानी, प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता देखने को मिलेंगे। ये फिल्म में भी आपको थोड़ी बहुत हैकिंग मिलेगी। इस फिल्म में शाहरुख खान चोर रहता है, जो कि एक चोरी के लिए एक हैकिंग का इस्तेमाल करता है, जहां पे एक लॉक होता है उसको तोड़ना रहता है। तो ये फिल्म भी हैकिंग पे बेस्ड है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। 5th नंबर की फिल्म है फ्रेंड्स जीनियस। इसमें आपको उत्कर्ष शर्मा के साथ साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी मिलेंगे। यह फिल्म 2018 में आई थी और 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है इसको IMDb की तरफ से। यह फिल्म भी एक अच्छी खासी फिल्म है। इसमें उत्कर्ष शर्मा जो कि एक्टर रहता है, उसको कंप्यूटर के फील्ड में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। अपने कंप्यूटर के नॉलेज के साथ ही वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें एक टेररिस्ट का रोल निभा रहा है, जो कि एक बम प्लांट करता है, और वो कैसे उसको नाकाम करता है हीरो, इसके बारे में दिखाया गया है। तो ये भी कंप्यूटर पे बेस्ड मूवी है, आप लोग इसे देख सकते हैं। 6th नंबर की फिल्म है फ्रेंड्स श्री। श्री फिल्म 2013 में आई फिल्म थी, जिसको 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है IMDb की तरफ से। इस फिल्म में आपको हुसैन खजूरवाला और अंजलि पाटिल देखने को मिलेगी। यह एक अच्छी खासी फिल्म है फ्रेंड्स, जो कि अंडररेटेड मूवी है। इसको आप लोग ने नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। इस फिल्म का कहानी ये है फ्रेंड्स कि एक टाइम आता है, एक नक्षत्र होता है, जहां पर एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हीरो का एक डबल रोल हो जाता है, जैसे एक पास्ट में चला जाता है और एक प्रेजेंट में चला जाता है, और फिर कहानी आगे बढ़ते बढ़ते पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ हो जाते हैं। मतलब एक ही आदमी एक पास्ट में चला जाता है, एक प्रेजेंट में, और दोनों आपस में मिल जाते हैं। जब वो रियलाइज़ करते हैं कि हम एक ही हैं, तो वो कैसे खुद को बचाते हैं इस सिचुएशन से, ये मूवी में दिखाया गया है। ये एक अंडररेटेड मूवी है फ्रेंड्स, बट बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। इस लिस्ट के 7 नंबर की जो फिल्म है उसका नाम है प्रिंस। 4.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। इसमें आपको विवेक ओबराय के साथ साथ संजय कपूर भी देखने को मिले थे फ्रेंड्स, और यह भी एक साइंस पे आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में एक मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम दिखाया गया है, जैसे कि हीरो विवेक ओबराय रहता है, उसका मेमोरी एक चिप में, एक क्वाइन में डाल दिया जाता है, और उसका मेमोरी जो है लॉस होने लगता है। फिर वो कैसे उस क्वाइन को लेता है, कैसे क्वाइन को ढूंढता है, ये मूवी में दिखाया गया है। तो एक अच्छी खासी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। इस लिस्ट की 8th नंबर की जो मूवी है फ्रेंड्स, वो थोड़ी सी पुरानी है। फिल्म का नाम है ओम जय जगदीश।
फ्रेंड्स ये मूवी भी हैकिंग पे बेस्ड मूवी है। यह फिल्म 2002 में आई थी जिसमें आपको अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन और फरदीन खान देखने को मिले थे। 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है इसको IMDb की तरफ से। इस फिल्म का कहानी ये होता है फ्रेंड्स कि अभिषेक बच्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर का एक्सपर्ट होता है, वह कुछ अपने यूनिवर्सिटी का पेपर लीक कर देता है उसको हैक करके, और उसके बाद उसे साइबर क्राइम पकड़ लेते हैं। कैसे करता है इसके लिए आप इस मूवी को जरूर देखिएगा अगर आपने ये मूवी मिस कर दी है तो। 9th नंबर की मूवी है फ्रेंड्स ए वेडनेसडे। फ्रेंड्स ये मूवी ज़्यादा हैकिंग पे बेस्ड तो नहीं है बट ये एक अच्छी खासी मूवी है और इसमें थोड़ा बहुत हैकिंग दिखाया गया है। इस मूवी में आपको अनुपम खेर के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और जिमी शेरगिल भी देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 2008 में आई थी और इसको 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है IMDb की तरफ से। यह एक ब्लॉकबस्टर अच्छी मूवी है फ्रेंड्स जिसको आप लोग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसकी कहानी बहुत ही यूनिक है और दमदार है। अगर आपने ये मूवी मिस कर दी है, आई थिंक किसी ने भी मिस नहीं किया होगा, बट अगर आपने मिस कर दिया तो इसको आप जरूर देखिएगा। इस लिस्ट की 10th नंबर लास्ट मूवी है फ्रेंड्स जिसका नाम है कहानी। यह फिल्म 2012 में आई थी और इसको 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है IMDb की तरफ से। इसमें आपको विद्या बालन के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भी बहुत सारे एक्टर देखने को मिलेंगे। यह फिल्म एक जबरदस्त थ्रिलर और साइंस पे आधारित फिल्म है। इसमें विद्या बालन एक हैकर होती है। फिल्म की कहानी ये है फ्रेंड्स कि वो कोलकाता जाती है और वहाँ पे अपने पति को खोजती है जो कि पति उसका मिसिंग हो गया रहता है। ठीक है, बहुत सारे वो पुलिस का सहारा लेती है लेकिन उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। फाइनली वो खुद से प्रयास करते करते असली कातिल का पता लेती है और उसको मारती है। बहुत ही यूनिक और सस्पेंस मूवी है फ्रेंड्स। अगर आपने इसको मिस कर दिया है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। ये थी फ्रेंड्स टॉप 10 बॉलीवुड हैकिंग मूवी जो कि मैंने आपको बताया। इन सभी में से आपका फेवरेट मूवी कौन सा है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर मैंने कोई मूवी मिस कर दी है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट सीरीज में मैं उसको ऐड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी नए मूवी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।